Hello students, today we have to discuss your exercise 1.6. So let's start your questions. Question number first. If x and y are two sets such that x and y are two sets such that nx is equal to 17 and y is equal to 23 and nx union y is equal to 38, then find the value of nx intersection y. तो ये हमें वैल्यू को फाइंड अप करना है. देखिए कल मैंने आपको कुछ फार्मूले यहां पर लिखाए थे, तो उन्हीं में से आपके पास ये फार्मूला है. तो मैंने ये लिखाया था कि n x यूनियन y, ए बी में मैंने लिखाया था, अभी आपका एक्स वाई में होगा. तो क्या फार्मूला था, एन एक्स प्लस एन वाई माइनस का n x इंटरसेक्शन y. तो देखिए हमें निकालना क्या है, इंटरसेक्शन निकालना है. तो अगर आप इसको इधर पक्षांतर कर दें, इस वैल्यू को उधर भेज दें, तो यहां से हमारे पास n x इंटरसेक्शन y की वैल्यू हो जाएगी nx प्लस ny और माइनस का nx यूनियन y. चलिए nx की वैल्यू को देखेंगे, nx की वैल्यू हमारे पास है 17, ny की वैल्यू को देखेंगे तो ये हमारे पास है 23 और nx यूनियन y की वैल्यू को देखेंगे तो ये हमारे पास है माइनस का 38. अब इसको हम सॉल्व करेंगे. तो देखिए 7 और 3 कितना हो जाएगा 0, 10 हो जाएगा और 2 और 1 क्या हो जाएगा 3, 3 1 क्या हो जाएगा 4. तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी. ठीक है, अब यहां पर आपको 38 माइनस करना है. चलिए 38 से माइनस करें तो क्या वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2. तो ये हमारे पास nx इंटरसेक्शन y की वैल्यू हो जाएगी. ओके, अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को. क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास गिवन है, इफ x एंड y आर टू सेट्स, इफ क्वेश्चन नंबर 2 इज इफ x एंड y आर टू सेट्स सच दैट x यूनियन y हैज 18 एलिमेंट्स. यानी x यूनियन y जो कंटेन कर रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कंटेन कर रहा है, कितने एलिमेंट्स कंटेन कर रहा है, 18 एलिमेंट्स को कंटेन कर रहा है. एंड x हैज 8 एलिमेंट्स, यानी x आपके पास 8 एलिमेंट को कंटेन कर रहा है, इसका मतलब नंबर ऑफ x क्या होंगे आपके पास, 8 हो जाएंगे. चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, एंड y हैज 15 एलिमेंट्स, मतलब y जो आपके पास कंटेन कर रहा है वो 15 एलिमेंट्स को कंटेन कर रहा है. सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स y के कितने होंगे, ये हो जाएंगे 15. अभी आपसे कह रहा हाउ मेनी एलिमेंट्स डज x यूनियन y हैव, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके पास जो है x यूनियन y में कितने होंगे, ये हमें कैलकुलेट करना है. तो देखिए बिल्कुल आपका वही क्वेश्चन बन गया है जो अभी हमने यहां पर राइट डाउन किया था. तो चलिए इसमें हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, x यूनियन y इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू एन एक्स प्लस का एन वाई और माइनस का एन एक्स यूनियन y. अब यहां पर हम वैल्यू को पुट करेंगे. देखिए वैल्यू हम पुट करेंगे तो एन एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास 8, एन वाई की वैल्यू क्या है 15 और यूनियन की वैल्यू हमारे पास क्या है 18. चलिए 15 और 8 इसको आप ऐड कर दीजिए, तो 15 और 8 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 23 और 23 में 8 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5. तो यहां से हमारे पास वैल्यू निकल करके आ गए 5. ओके, आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. आगे हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को, देख लीजिए इसको. चलिए आगे हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 इज इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल, इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल, किसी ग्रुप में आपके पास 400 पीपल हैं, जिसमें कह रहा है 250 कैन स्पीक हिंदी एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश, हाउ मेनी पीपल्स कैन स्पीक बोथ हिंदी और इंग्लिश. यानी आपके पास ग्रुप में 400 पीपल्स है, इसमें आपके पास हिंदी जो आपके पास स्पीक कर रहे हैं बोल रहे हैं वो 250 लोग हैं और इंग्लिश जो बोल रहे हैं वो आपके पास 200 लोग हैं यहाँ पर. तो कह रहा है कि आपके पास वो स्टूडेंट्स, आप वो पीपल्स निकालने हैं जो हिंदी और इंग्लिश
दोनों आपके पास क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। तो चलिए यहां पर हम देख सकते हैं क्या हमारे पास क्वेश्चन होगा। तो यहां पर हम मान लेते हैं कि जो आपके पास हिंदी जो स्पीक कर रहे हैं उनका एलिमेंट्स क्या है। हिंदी वालों को एच मान लेते हैं, इंग्लिश वालों को हम यहां पर ई नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर लेट कर लेते हैं, लेट हिंदी के लिए एच, ठीक है। लेट एच डिनोट्स, लेट एच डिनोट्स द पीपल, लेट एच डिनोट्स द पीपल हु स्पीक हिंदी एंड ई डिनोट्स द पीपल हु स्पीक इंग्लिश। यहां पर इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। हु डिनोट्स द पीपल हु स्पीक्स, ई डिनोट्स द पीपल हु स्पीक क्या हो जाएगा आपके पास, हिंदी। तो चलिए अब यहां पर हमारे पास जो नंबर ऑफ पीपल्स हैं, मतलब यूनियन की अगर हम बात करें तो यूनियन हमारे पास कितना है, 400 पीपल्स है। और अगर आपके पास यहाँ पर हिंदी की बात करते हैं तो ये देखिए हिंदी आपके पास कितने लोग बोल रहे हैं यहाँ पर, तो हिंदी के आपके हिंदी आप में कितने हैं, 250 कह रहा है, ये इतने लोग आपके पास स्पीक अप कर रहे हैं। चलिए यहाँ पर इंग्लिश की बात करते हैं, इंग्लिश आपके पास क्या है, 200 है। इंग्लिश वाले लोग आप पीपल्स कितने हैं, 200 है आपके पास। और यहां से कह रहा है हाउ मेनी कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, मतलब जो आपको है इंटरसेक्शन यहाँ पर निकालना है, ठीक है, ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्योंकि तो हिंदी बोल रहे हैं, इंग्लिश भी बोल रहे हैं, तो इसका मतलब इंटरसेक्शन की बात हो गई, कॉमन हो गया आपके पास, ठीक है। तो ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला यहाँ से हो जाएगा इसका, देखिए एन एच इंटरसेक्शन ई, यहां से वैल्यू आ जाएगी आपके पास एन एच प्लस का एन ई और माइनस का एन एच यूनियन ई, ये हमारे पास वैल्यू निकल करके आ जाएगी। चलिए एन एच की वैल्यू को देखते हैं, एन एच हमारे पास है 250, एन ई की बात करें तो ये हमारे पास है 200 और ये हमारे पास है 400, तो ये क्या हो जाएगा 450 और माइनस का 400, देन वैल्यू ऑफ इज इक्वल टू 50, यानी आपके पास 50 लोग वो हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों स्पीक करते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास आंसर हो गया। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर इज इफ एस एंड टी आर टू सेट्स such that S has 21 elements, and T has 32 elements. चलिए T has 32 elements and S intersection T has, and S intersection T has 11 elements. How many elements does S union T have? यानी आपको यूनियन कैलकुलेट यहां पर करना है कि यूनियन में आपके पास कितने एलिमेंट्स यहां पर होंगे। तो चलिए आपके पास फार्मूला क्या होगा, तो एन एस यूनियन टी इज इक्वल टू एन एस प्लस एन टी माइनस का एन एस इंटरसेक्शन टी। एन एस की वैल्यू हमारे पास है 21, एन टी की वैल्यू है 32 और इसकी वैल्यू है 11। चलिए इसको सॉल्व करेंगे, यहां पर पहले आप इसको ऐड करें तो ये हो जाएगा 3 और 3 और 2 आपके पास हो जाएगा 5, ठीक है, माइनस का 11, तो 53 में जब 11 को माइनस करेंगे तो 3 में से 1 होगा 2 और 5 में से 1 माइनस करेंगे 42, तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी, ओके। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को, इसको आप देख लीजिएगा। चलिए आगे हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज इफ एक्स एंड वाई आर टू सेट्स, if x and y are two sets such that x has 40 elements, x union have 60 elements, x intersection y has 10 elements, how many elements does y have? तो यहां पर देखिए हम इसको लिख दे रहे हैं, आप इसको लगा लीजिएगा, तो nx is equal to 40 elements and nx union y is equal to 60 elements, nx intersection y is equal to 10 elements, then how many elements does y have? यानी यहां से आपको y कैलकुलेट करना है, तो भाई इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आपके पास फार्मूला लग जाएगा nx union y is equal to nx
प्लस एन वाई और माइनस का एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू भी हमें मालूम है, एन वाई वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, तो एन वाई यहां से आप राइट आउट कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए हम होमवर्क दे रहे हैं, इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल, इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल 37 लाइक कॉफी, 52 लाइक्स टी एंड ईच पर्सन लाइक ए लीस्ट वन ऑफ टू ड्रिंक्स, हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ कॉफी एंड टी। मतलब आपके पास कितने ऐसे पीपल हैं जो कॉफी और टी दोनों को लाइक कर रहे हैं। तो चलिए हम कॉफी वाले को मान ले रहे हैं सी और टी वाले को मान ले रहे हैं टी, टी वाले को टी ले लेते हैं। तो लेट सी डिनोट्स, लेट सी डिनोट्स द सेट ऑफ पीपल हु लाइक कॉफी एंड टी डिनोट्स द सेट ऑफ पीपल हु लाइक टी। ओके, अब यहां पर ये हमारे पास वैल्यू हो रही है। अब यहां पर क्वेश्चन कह रहा है इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल, यानी अगर हम बात करें यूनियन की, तो आपके पास जो टोटल आपके पास पीपल हो रहे हैं वो हो रहा है 70। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं 37 लाइक कॉफी, तो ये हमारे पास है 37 एंड टी आपके पास जो लाइक कर रहे हैं वो आपके पास है 52, तो 52 लाइक्स टी। और कह रहा है ईच पर्सन लाइक्स एट लीस्ट वन ऑफ टू ड्रिंक्स, तो ईच पर्सन जो भी आपके पास पर्सन है वो आपके पास कोई ना कोई ड्रिंक जरूर लाइक कर रहे हैं। तो कह रहा हाउ मेनी एलिमेंट्स, सॉरी हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ कॉफी एंड टी, यानी आपके पास इंटरसेक्शन की वैल्यू यहां से फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। तो चलिए हम यहां पर वैल्यू देख लेते हैं। तो इंटरसेक्शन की वैल्यू की बात करें तो एन सी इंटरसेक्शन टी इज इक्वल टू क्या वैल्यू हो जाएगी, एन सी प्लस का एन टी और माइनस का एन सी यूनियन टी। चलिए वैल्यू को रखेंगे, एन सी की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 37, एन टी की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 52 और यूनियन की वैल्यू हो जाएगी 70। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9 और ये हमारे पास हो जाएगा 8। तो 89 में जब आप 70 माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आएगी आपके पास 19। तो यानी आपके पास जो कॉफी और टी दोनों को लाइक कर रहे हैं वो आपके पास है 19 पीपल यहां से निकल करके आ रहे हैं। आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल, इसको देख लीजिए, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 6। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 इज इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल, इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल 40 लाइक क्रिकेट 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, हाउ मेनी लाइक्स टेनिस। चलिए यहां पर देखते हैं, तो टेनिस और यहां पर बात कर रहा है क्रिकेट, तो टेनिस को टी लेट कर लेते हैं और क्रिकेट जो आपके पास लाइक करते हैं उनको हम यहां पर सी डिनोट कर लेते हैं। तो लेट सी डिनोट द, लेट सी डिनोट द सेट ऑफ पीपल who like cricket and T denotes the set of people who likes tennis. Okay, so T denotes the set of people who likes tennis. अब यहां पे कह रहा है in a group of 65 people 40 like cricket, तो इसका मतलब ये हो गया कि यूनियन की अगर हम बात करें तो यूनियन हमारे पास है 65, फिर आपके पास कह रहा है 40 लाइक क्रिकेट, तो यहां पर क्या हो रहा है NC इज इक्वल टू 40। फिर ये हमारे पास कह रहा है 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, यानी इंटरसेक्शन की अगर हम बात करें तो NC इंटरसेक्शन T, ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हमारे पास वैल्यू दे रहा है 10। अब यहां पे क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी टेनिस लाइक ओनली एंड नॉट क्रिकेट, मतलब आपके पास यहां पर कह रहा है, जो यहां पर वैल्यू कह रहा है कि टेनिस को तो लाइक कर रहा है, टेनिस को लाइक कर रहा है लेकिन क्रिकेट को लाइक नहीं कर रहे हैं, तो यानी उसका हो जाएगा सीरियस, भाई क्रिकेट को लाइक नहीं कर रहा है तो उसका सीरियस हो जाएगा। तो ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है,
इसके बाद में कह रहा हाउ मेनी लाइक टेनिस, यानी आपको क्या निकालना है यहां से, एंटी की वैल्यू फाइंड करनी है। दो चीजें हमें यहां से फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो चलिए हम इसकी बात करते हैं यहां पर। तो अगर आप इसकी बात करें तो पहले हम एंटी निकाल लेते हैं। एंटी कैसे निकलेगा, फॉर्मूला यहां पर अप्लाई करेंगे, एन सी यूनियन टी इज इक्वल टू क्या वैल्यू होगी हमारे पास, एन सी प्लस का एन टी और माइनस का एन सी इंटरसेक्शन टी। चलिए यूनियन की हमारे पास वैल्यू कितनी है, यूनियन की वैल्यू है 65, एनसी की बात करेंगे 40, एनटी हमें कैलकुलेट करना है और इंटरसेक्शन की वैल्यू हमारे पास गिवन है 10। तो यहां से हो जाएगा 65 और 40 में 10 को माइनस करेंगे 30 और प्लस में हो जाएगा एनटी, देन एनटी इज इक्वल टू 65 माइनस का 30। तो 65 में 30 आप माइनस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 35, यानी जो टेनिस आपके पास है, टेनिस वाले आपके पीपल कितने हैं, 35 है। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे, टेनिस को तो लाइक कर रहे हैं लेकिन क्रिकेट को लाइक नहीं कर रहे हैं, तो एन टी इंटरसेक्शन सी डैश। तो मैंने आपको फॉर्मुला बताया था ए इंटरसेक्शन बी डैश का, एन ए माइनस का एन ए इंटरसेक्शन बी। तो इसका फॉर्मुला क्या बनेगा, इसका फॉर्मूला बनेगा एन टी माइनस का एन टी इंटरसेक्शन सी। चलिए एन टी की वैल्यू है 35 और एन टी इंटरसेक्शन सी, तो इंटरसेक्शन हमारे पास क्या गिवन है भाई, 10 गिवन है, तो ये हो जाएगा 10। देखिए इससे फर्क नहीं पड़ता कि सी का टी के साथ ले रहे हैं कि टी का सी के साथ ले रहे हैं, ठीक है। तो वो तो आपके पास कॉमन एलिमेंट्स है तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो 35 में 10 को माइनस कर दीजिए, तो 35 में जब 10 को माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी 25। तो ऐसे आपके पास पीपल्स जो आपके पास टेनिस तो लाइक कर रहा है लेकिन क्रिकेट को लाइक नहीं कर रहा है, 25 लोग होंगे, और टेनिस को जो आपके पास खेल रहे हैं वो आपके पास कितने हैं, 35 लोग हैं। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 7 और लास्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। चलिए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, देख लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 8 इज इन अ कमेटी, कमेटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, 20 स्पीक स्पेनिश, 10 स्पीक बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच, हाउ मेनी स्पीक एट लीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेजेस, ठीक है। तो यहां पे देखिए फ्रेंच वाले को हम मान लेते हैं एफ, स्पेनिश वाले को मान लेते हैं एस, ठीक है। तो लेट एफ डिनोट्स द सेट ऑफ पीपल लेट F denotes the set of people who speak French, and S denotes the set of people who speak Spanish. ये हमारे पास इसको हमने कंसिडर कर लिया। अभी हमारे पास क्या कह रहा है कि 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, फ्रेंच आपके पास कौन है, 50 लोग हैं, एंड 20 स्पीक स्पेनिश आपके पास 20 हैं, एंड 10 स्पीक बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच एंड स्पेनिश, ये कितने हैं, 10 आपके पास हैं। तो हाउ मेनी स्पीक एट लीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेज, एट लीस्ट वन, इसका मतलब यहां पे क्या कह रहा है, यूनियन की बात कर रहा है। तो आपके पास निकालना है एफ यूनियन एस, इसको आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। देन फॉर्मूला आपके पास क्या हो जाएगा, एन एफ यूनियन एस इज इक्वल टू एन एफ प्लस का एन एस माइनस का एन एफ इंटरसेक्शन एस। चलिए एन एफ की वैल्यू को देखेंगे, एन एफ की वैल्यू है 50, एन एस की वैल्यू है 20 और इंटरसेक्शन हमारे पास है 10। तो 50 प्लस 20 कितना हो गया, 70, 70 माइनस 10 इज इक्वल टू 60। देन एट लीस्ट वन ऑफ द, यहाँ पे आपके पास क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ये कह रहा था हाउ मेनी स्पीक एट लीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेजेस। तो आपके पास जो दो लैंग्वेज कम से कम आपके बोल रहे हैं, तो यहाँ पे कितने लोग हैं, 60 लोग यहाँ पर निकल करके आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 था। आगे आपके पास मिसलेनियस एक्सरसाइज है, तो स्टूडेंट्स मिसलेनियस एक्सरसाइज को आप लगाने का प्रयास करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो बाकी जो क्वेश्चन होंगे उसको हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।